नमस्कार, मैं प्रोड्यूसर सनी प्रकाश। बहुत दिनों के बाद आज समय मिला आपसे रूबरू होने का, और बहुत 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 खुश हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों का कि जो मेरी परी का ट्रेलर लॉन्च किया गया है आईफिल्म पे, उसको आप लोगों ने सराहा और प्यार दिया। हमने जो भी फिल्में बनाई भोजपुरी के लिए, वो फिल्मों में हमने माटी की खुशबू को, नारी सम्मान को और एक साफ सुथरा जो संस्कृति है हमारा, उसको दिखाने की कोशिश की। कभी भी हमने व्यवसायीकरण से चीज़ों को नहीं बताया कि भाई भोजपुरी को बदनाम करके भी पैसा कैसे भी कमाया जाए, वो काम मैंने नहीं किया। तो सबसे पहले तो मुझे आत्मसंतुष्टि है कि आज मैंने जो फिल्म बनाई है वो आप तक पहुंचा सका, क्योंकि इससे पहले मैंने पश्चाताप, परवाह, जो भी फिल्में बनाई कहीं ना कहीं किसी वजह से, चाहे लॉकडाउन की वजह, लेट पहुंची। और इस फिल्म में भी शायद लेट हो सकता था, काफ़ी लेट हो सकता था, अगर मैं किसी कंपनी के भरोसे या कहीं और इस फिल्म को सेल करके किसी दूसरे बड़े प्लेटफॉर्म के भरोसे रहता तो। मुझे मालूम था कि अंतिम निर्णय पब्लिक ही लेती है, किसी भी तरीका से हमें पब्लिक तक इस कंटेंट को पहुंचाना है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि और भोजपुरी फिल्मों से बिल्कुल अलग आपको ये मेरी परी मूवी मिलेगी, इसका कंटेंट मिलेगा। आने वाले 5 जुलाई को ये फिल्म रिलीज हो रही है आपके नज़दीकी सिनेमाघर में, आप फिल्म को देख सकते हैं। और ये फिल्म सारे तबके के लोग देख सकते हैं, महिलाएं देख सकते हैं, बच्चे देख सकते हैं, पूरे पारिवारिक फिल्म है और फिल्मों से हटकर मिलेगी। बहुत सारी परेशानियां, अथक प्रयास, मेहनत और लोगों से अलग चलने की कोशिश करने के बाद इस जगह तक मैं मेरी परी के फिल्म को लेकर पहुंच पाया हूं। और सारी उम्मीदें सिर्फ दर्शकों से है कि हमारी टीम ने जो प्रयास किया है, जो दिखाने की कोशिश की है, जो भोजपुरी के स्तर को बढ़ाने की कोशिश की है, उसको सम्मान देने की कोशिश की है, उस चीज़ में आप लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा। और ये आई फिल्म जो हमारा चैनल है, जिसकी शुरुआत हमने की है इस फिल्म से, आगे इस फिल्म को बढ़ाने के लिए आप सबों का सहयोग चाहिए। अगर आप भी बढ़िया फिल्म बनाते हैं, बढ़िया क्रिएटर हैं, आपकी भी फिल्में जो है डिजिटल निकल नहीं पा रही है, तो आप आई फिल्म से जुड़कर अपने फिल्म के राइट्स, अपने डिजिटल को उस जगह तक पहुंचा सकते हैं। देखिए, प्रॉब्लम क्या होती है कि एक फिल्म मेकर अपनी रचना को, अपने फिल्म को बनाता है, बनाने के बाद अभी सिंगल थिएटर में वो फिल्म चल नहीं पाती है क्योंकि लोग सिंगल थिएटर पे जा नहीं रहे। कुछ क्रिएटरों ने भोजपुरी का वो दुर्दशा कर दिया है कि लोगों को सिर्फ लगता है कि कुछ चंद लोग ही वो भोजपुरी को देखेंगे, जो निचले तबके के लोग हैं। मतलब निचले तबके का कहने का मतलब रिक्शा वाला, ठेला वाला, मजदूर व्यक्ति जो आज गरीबी रेखा के नीचे बसर कर रहा है, सिर्फ उनके लिए उस भोजपुरी को बना दिया। लेकिन एक समय था जब भोजपुरी को सारे लोग देखते थे, सराहते थे, तो वो दौर फिर से आना चाहिए। 4 कंपनियां और 4 बड़े कलाकार भोजपुरी का भविष्य डिसाइड नहीं कर सकते। भोजपुरी की भविष्य को हमारे दर्शक ही ने डिसाइड किया था, करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। ये जो डिजिटल आज बढ़ चुका है और आपके हाथ में फोन है, तो एक दौर से गुजरने के बाद आज ये डिजिटल बढ़ा है। और कुछ लोग जिन्होंने उस डिजिटल को समझा, यूट्यूब को समझा, और आज वो कुछ कंपनी बने बैठे हुए हैं। लेकिन हाँ, आप हॉलीवुड में जाएंगे और जगहों पे जाएंगे तो सारे प्रोडक्शन हाउस के अपने अपने चैनल हैं। कोई किसी के चैनल पर आश्रित नहीं है, कोई किसी का शोषण नहीं कर पा रहा है। तो आज ये है कि गांव से निकला हुआ भी एक क्रिएटर अपने दर्शकों तक अपना कंटेंट पहुंचा दे रहा है। बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी तो मोदी जी ने देखिए वैसे वैसे क्रिएटरों को बुला बुलाकर सम्मानित किया, जो अपने घर से काम कर रहे थे और दुनिया में उन्होंने नाम कर लिया। तो किसी की प्रतिभा को कोई रोक नहीं सकता है। और प्लेटफॉर्म है, आज नए चैलेंज होने के बावजूद भी मेरी परी को यह सम्मान मिला, ये इज्जत मिला, ये सारी चीज मिली, इसके लिए धन्यवाद है। और अब हम इस मार्केट में आए हैं, हमने फिल्में तो कई रिलीज की है, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए प्रोड्यूसर फिल्में बनाई है, अब एज ए डिजिटल
मार्केटिंग में ये इंस्पायर फिल्म काम करने आ रही है और मिलके इस काम को किया जाएगा। अच्छे कंटेंट, अच्छी फिल्मों को जगह दी जाएगी, उसको सम्मानित किया जाएगा और उनका जो मेहनताना है जिन्होंने वो फिल्म बनाने के लिए एक प्रोड्यूसर ने लगाया है, कम से कम उनकी जो पूंजी है वो बरकरार रहे और फिल्म चैनल तक, टीवी तक पहुंच जाए। ये शुभकामना, ये मेहनत हमारी टीम करेगी, ये वादा करते हैं आपसे। आने वाले 5 जुलाई को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है, तमाम सिनेमा घरों में आप लोग देखें, सराहें और इंस्पायरर आगे भी अच्छी अच्छी फिल्में लाएगा। हर महीने नए कलाकारों का हमारे यहाँ ऑडिशन होता है और उनको भी 40% नए कलाकारों को चांस दिया जाता है। तो जो भी हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं, हमारे वर्कशॉप से जुड़ना चाहते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ना चाहते हैं, वो हमें नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट हमारी टीम से बात करके हेल्प और मदद को पा सकते हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी परी फिल्म को इतना सम्मान, इतना प्यार, इतना सफल बनाने के लिए। फिल्म के बारे